तो गाइस हम लोग फिर से आ गए हैं पुष्कर और बहुत एक्साइटेड है क्योंकि हम लोग ढूंढ रहे हैं लॉरास कैफे और ये रहा हमारा कैफे। तो फटाफट से चलते हैं अंदर। सुना है लॉरास कैफे में बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग डिशेस मिलती हैं जो बहुत फेमस है, तो लेकिन आज हम लोगों ने सोचा क्यों ना ट्राई करें। काफ़ी ऊपर है यार, इतनी सारी सीढ़ियाँ, गॉड, पर क्या करें, रूफ टॉप है तो जाना तो पड़ेगा ही। और यहाँ पर ना वॉल्स पे बहुत अच्छे अच्छे कोट्स भी लिखे हुए हैं, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ अंदर का इंटीरियर देखने के लिए। मतलब ये लो भाई, ये देखो इसका इंटीरियर। वाओ, तो गाइज मेरी तरह आप लोग भी यही सोच रहे होंगे कि ये व्हाइट और ब्लू क्यों है सब जगह भाई। तो दरअसल मैनेजर ने हमें बताया कि ग्रीस के जो रेस्टोरेंट्स होते हैं वहाँ पर व्हाइट और ब्लू का कॉम्बिनेशन होता है और उसी थीम के बेस पर इस रेस्टोरेंट के इंटीरियर को तैयार किया गया है। हाय एवरीवन, हम लोग आ गए हैं यहाँ पर लॉरास कैफे में। तो जैसे कि हम लोगों ने आपको बताया था कि हम लोग अभी और भी पुष्कर की प्लेसेस हम लोग जाएंगे, तो हम लोगों ने ये लॉरास कैफे हम लोगों ने फाइनल किया एक प्लेस और हम लोग कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाह रहे थे। यहाँ पे काफ़ी पिज़्ज़ा, पास्ता, यहाँ पे हर रेस्टोरेंट मतलब अब रखने लग गया पुष्कर में। लेकिन थोड़ा बहुत मशक्कत के बाद, थोड़ी दो भागदौड़ के बाद हमारे को कहीं से मालूम पड़ा कि कुछ यूनिक अगर ट्राई करना है तो लॉरास कैफ़े जाए, क्योंकि वहाँ पे कुछ स्पेनिश फूड आपको अवेलेबल हो सकता है जो कि पुष्कर में थोड़ा यूनिक है, अच्छा है। और एक और जगह गए थे शायद वो मे बी बंद था, लेकिन हाँ जहाँ हम अभी आए हैं वो हमारे को बेटर लगा। आप उससे पहले इस रेस्टोरेंट का एक बार व्यू दिखाएं कि इसका जो व्यू है वो कितना अच्छा है। ये आपको पड़ेगा झूलेलाल घाट जो कि पुष्कर में उसके सामने बिल्कुल है, और इधर का जो व्यू है उससे आप पूरा पुष्कर घाट आप आसानी से और बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो एक बार ज़रूर इसका व्यू भी देखें, एक बार इनको व्यू दिखाएं मैम। तो देखिए गाइज, ये है लॉरास कैफ़े, ये रूफ टॉप है, मतलब हम लोग काफ़ी ऊपर बैठे हुए हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से नीचे बिल्कुल, वो देखिए वो सामने है हमारा घाट, और ये जो है बिल्कुल झूलेलाल मंदिर जो विश्राम घाट है जस्ट उसके सामने है। ये आ गया मेन्यू कार्ड। मेन्यू कार्ड तो ऐसा है ना, मतलब इतने सारी डिशेस, आधी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, ऑर्डर क्या करें, बोलना क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अभी क्या लगाया अपन ने, ये अपन ने सर्जी पांथमा का लगाया। अच्छा, इसको खाना है ये। अच्छा, हमारे यहाँ का। अच्छा, इसके साथ में मतलब आमलेट भी खाते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये यहाँ की स्पेशल डिश है ये। हम यहाँ की मतलब एंड में ब्रेड भी बनाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये आपकी होममेड ब्रेड है। यस, गार्लिक है, टमाटो है, सॉल्ट है, पेपर है, ऑलिव ऑयल है। ऑलिव ऑयल है इसके अंदर। ओके ओके, तो ये ट्राई कर रहे हैं। ये रहा, ये इनका जो है ना होम मेड, मतलब कि रेस्टोरेंट मेड ब्राउन ब्रेड है। नॉर्मली जो ब्राउन ब्रेड आता है अपन ने देखा है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, लेकिन ये जो है ना काफ़ी टोस्टेड है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये खाने में, मुझे दिखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अब मैं इसे ट्राई कर रही हूँ। तो एक तरीके से ये नॉन कुक्ड आई थिंक टमाटो पेस्ट है। इट्स अ पील टमाटो। इंडियन डिशेस की अगर अपन बात करें तो नॉर्मली अपन तेल में बहुत ज्यादा इसको फ्राई कर लेते हैं, तड़का लगाते हैं। एक और चीज़ है, ये भैया बोल रहे हैं कि इसमें ऑलिव ऑयल ऐड है। बिल्कुल ऑलिव ऑयल है, तो काफी हाइजीन है। भैया एक हमारे को डिश बता दे, वो सर की यहाँ के बहुत फेमस डिश है, तो एक बार भैया आपको बताएंगे वो डिश कौन सी थी, और प्लीज उसको एक बार आपके आके विजिट करें, आपकी टाइमिंग और वो डिश का नाम आप जरूर बताएं। हमारा सर जी 8:30 का ओपन है, वो डिश का नाम है तोड़ते थे पता था। इसमें डिश है सर जी, ये आ गया हमारा यम्मी सा इटालियन सैंडविच। हमें पूरा फ्लेवर बताइए कि इसमें क्या क्या वेजिटेबल्स ऐड हुआ हुआ है। और इसमें मतलब माइनस है, मस्टर्ड है, टमाटो है, चीज है, सॉल्ट पेपर है, स्पेनिश है, ये जो इसमें सलाद है हमारी यहाँ की। तो गाइज ये हम लोगों ने ऑर्डर किया था इटालियन सैंडविच, जिसके देखिए इसमें काफी सारी वेजिटेबल्स हैं और बहुत ही यम्मी लग रहा है खाने पे। बिल्कुल मतलब कोई स्पाइसेस नहीं है, पर से ये ऑलिव ऑयल इसमें आप डाल सकते हैं। ये ऑलिव ऑयल के साथ ये रेड चिली है और ये ड्राइड चिली, ये चिली फ्लेक्स हो गए, ये आपका ऑरिगेनो हो गया,
एंड और इसमें सॉसेस दिए हैं, साथ में टमाटो सॉस है, ये चिली पेस्ट है, मतलब ये डिफरेंट हर्ब्स इसके साथ दे रखे हैं। तो आप अगर इसको स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो ऊपर से आप कुछ रेनोवेट कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता नीड है। तो गाइस आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग ये डिश ट्राई कर रहे हैं और ये एक्चुअल में बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी लग रहा है। हर बार हम लोग क्या करते हैं, चटपटा और ये कुछ ट्राई करते हैं, इस बार हमने कुछ नया ट्राई किया है। लिटरली आपको एक चीज़ बताऊं, अगर आप हमेशा की तरह वही पास्ता वही पिज़्ज़ा पुष्कर में आके खाते हैं, एक ऑनर ने बोली कि सर यहाँ पे जो भी आता है पास्ता और पिज़्ज़ा के लिए पूछता है, उसको हम कोई दूसरी डिश के लिए रिकमेंड कर ही नहीं सकते सर। एक फर्स्ट टाइम आप आए जिसने हमारे से पूछा कि सर यहाँ पे कोई स्पेनिश डिश है आपकी, क्या स्पेशल है जो हम आपको सर्व कर सकें। लिटरली मैं आपको बताऊँगा इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, चलता है कभी कभार, ऐसा भी खाना चाहिए। हर टाइम तलाव और ऐसा खाना ना खाते हुए एक बार हम ये ट्राई करें, क्योंकि हमारे को ऐसा लगा कि पुष्कर में ऐसी कोई नई चीज़ मिल रही है तो हमने उसको यहाँ पे ट्राई किया है आज। तो ये जो टॉपिंग चल रही है हमारी, ये जो अभी बॉटल आप देख रहे हो ऑलिव ऑयल की, चिली फ्लेक्स की, ऑर्गेनो, बहुत शानदार और अच्छा टेस्ट है, मस्त है। कुछ नया ट्राई होगा, हमेशा वही वही चीज़ हम खाते रहें, वही वही चीज़ पे चलते रहें, कुछ नया ट्राई करें तो प्लीज़ आए एक बार लॉरा कैफे पे। मैं हूँ आपके साथ आपका मनीष मंगलारी। बोले तिवारी, तो ये आपको लॉरास कैफे के बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे कि क्या है कैसे स्टार्ट हुआ सर, प्लीज़ आप बताएं। जैसे 2000 मतलब मैंने साथ में खोला था हमारा पैलेस, जिनका नाम था लॉरास कैफे, वो हमारे यहाँ के मतलब ओनर थे, दोनों ने मतलब मिल के खोला हमने, और अभी तक मतलब अच्छा मतलब खा रहा है यहाँ का, सब कुछ है, बढ़िया व्यू है, बढ़िया लुक है यहाँ का, व्हाइट एंड ब्लू कलर है यहाँ का, ग्रीन कलर है सर जी, और मतलब अच्छा मतलब व्यू दिखता है यहाँ से, और बढ़िया हम हैंडमेड बनाते हैं ब्रेड वगैरह, अच्छा बढ़िया हम लोग खाना बनाते हैं हम यहाँ का। तो ये इनका कहना ये था कि यहाँ पे एक लॉरा मैम थी जो कि कैनेडियन थी, यहाँ के एक ओनर है, तो उन्होंने यहाँ पे ओपन किया और यहाँ पे उस कुजीन को ये यहाँ पर लाई लॉरास कैफे में। अच्छा, इनकी जो ब्रेड्स हैं, जो भी ये चीज़ें हैं वो इनकी होममेड हैं, यहीं पे बनती हैं और यहीं पे तैयार होती हैं, फ्रेश चीज़ें यूज़ करते हैं, फ्रेश चीज़ों को यूटिलाइज़ करते हैं। तो आगे की जर्नी के लिए हम चलते हैं आगे, तो फूड टू ट्रैवल के साथ अब आपके लिए खास इतना ही, तो चलते हैं, नमस्कार सत श्री अकाल, तो अगले व्लॉग में फिर मिलते हैं, तो चलें। Oh, you got me chasing waterfalls.